नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज की इस वीडियो में हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिफंक्शनल स्ट्रक्चर दोनों की बेसिक बातें हमने कर ली है। आज इनके फायदे और जो है लॉसेस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस फायदे, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एडवांटेजेस क्या होता है। एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन। क्या होता है, यहां पूरे फर्म को हम फंक्शंस के आधार पर क्या करते हैं, डिवाइड, और एक व्यक्ति को एक सेट ऑफ फंक्शंस को सौंप देते हैं और डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है ना बात। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया था, उसे मार्केटिंग से रिलेटेड सभी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को सौंप। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो मार्केटिंग फंक्शन की सभी एक्टिविटीज को बार बार करेगा, ठीक है। जितनी बार वो उन एक्टिविटीज को करेगा उतना उसमें स्पेशलाइजेशन आता चला जाएगा, ठीक है। जितना वो उसको करेगा उतनी उसको एक्सपीरियंस गेन होता चला जाएगा और वो हैबिचुअल हो जाएगा उस एरिया की प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में, उन एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में। जब वो इस तरह से हैबिचुअल हो जाएगा तो बहुत जल्दी, ठीक है, अपने काम को कर सकता है और कम कॉस्ट पर कर सकता है। यानी कि जो काम होगा, जो फंक्शन होगा, वो किस तरह से होगा, उसको एफिशिएंटली वो करेगा, ठीक है, इसलिए स्पेशलाइज हो जाएगा वो अपने फंक्शन। तो ये कब हुआ, जब हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर को अपनाया, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हमें मिलते हैं। दूसरा है बेटर कंट्रोल। सेकेंड है बेटर कंट्रोल। अब आप जानते हो कि एक डिपार्टमेंट को एक ही तरह की एक्टिविटीज को सौंपा जाता है। एक डिपार्टमेंट के अंदर तीन या चार तरह की एक्टिविटीज होंगी। अब जब तीन या चार तरह की एक्टिविटीज हैं, तो उनको ही आपने हैंडल करना है। कम वर्क को आपने हैंडल करना है। पूरे फर्म को हैंडल करने के बजाय एक पार्ट को हैंडल करना बड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, बेटर कंट्रोल मिलेगा आपकी एक्टिविटीज में। तो ये भी क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा फर्म के लिए कि पता लग जाएगा आपको कौन सी एक्टिविटीज बेटर परफॉर्म हो रही है और कौन सी एक्टिविटीज में अभी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तीसरा है एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज। मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट करने से रिलेटेड, ऑपरेशनल मतलब जो उसका काम है, जो उसकी एक्टिविटीज है, जो उसके फंक्शन है, उसको हैंडल करने से रिलेटेड। अब वो मैनेजमेंट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, पीपल्स के साथ डील कर रहा है, डेली अपने एम्प्लॉइज के साथ डील कर रहा है, उनसे आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा है, उनको मैनेज करने के साथ डील कर रहा है। और जब ऑपरेशनल भी वो काम तो करवा ही रहा है, जैसे सेल्स का काम है, सेल्स तो वो अपने एम्प्लॉइज से करवा ही रहा है। सेल्स कहां कैसे बढ़ेगी, उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाए, ठीक है, सेल्स प्रमोशनल टूल कौन सा यूज किया जाए। तो जब वो इस तरह की समस्याओं को भी हैंडल करेगा और अपने एम्प्लॉइज को भी हैंडल करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी मैनेजरियल और साथ साथ ऑपरेशनल दोनों तरह से क्या होगी, बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगी, ठीक है बात। उसके बाद फोर्थ इकोनॉमिकल।
क्योंकि एक तरह की एक्टिविटीज एक व्यक्ति को सौंप दी, अब वो जिम्मेदार है उस तरह की एक्टिविटीज, किसी और से तो वो करवाए नहीं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं। और जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, एक एक्टिविटी एक ही बार होगी, इसलिए कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। और जब कॉस्ट कम होगी उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल वर्क। ठीक है बात। उसके बाद पांचवा जो सबसे बड़ा फायदा है इसमें, इज इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इज इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में आसानी रहेगी। ठीक है। अब मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके एम्प्लॉइज को आपने ट्रेनिंग देनी है, कोई आपने कैंप लगवाना है उनके लिए, या कोई सेमिनार आयोजित करवानी है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉइज को बुलाइए, सेमिनार अटेंड करवाइए, ट्रेनिंग देनी आसान होगी, पूरे एम्प्लॉइज को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना बात। तो इसलिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में ये आसान रहता है। उसके बाद लास्ट सिक्स पॉइंट, ड्यूअल एंशन, क्योंकि बहुत कम एक्टिविटीज को संभालना होता है और नंबर ऑफ पीपल जो है वो आपके सामने वर्क परफॉर्म करते हैं, तो आप हर एक्टिविटी को प्रॉपर अटेंशन दे सकते हो, तो ये भी क्या है, एक एडवांटेज है इसका, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर के छह एडवांटेजेस थे, स्पेशलाइजेशन, बेटर कंट्रोल, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज, इकोनॉमिकल, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में इज रहेगी, आसानी रहेगी, और ड्यू अटेंशन। ठीक है बात। ये थी एडवांटेजेस, और साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी, ये देखना है आपको। ठीक है। सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है, फंक्शनल एम्पायर बन जाते हैं। ठीक है। फंक्शनल एम्पायर कैसे बनेगा इसको समझा देता हूं मैं आपको। क्या होता है कि पूरी मैनेजमेंट को फंक्शंस के आधार पर हमने तो डिपार्टमेंट बांटा, अब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग है, डिपार्टमेंट के लेवल पे अपने ऑब्जेक्टिव्स अलग डिसाइड किए गए। ठीक है। अब जिनको डिपार्टमेंट मैनेजर बनाया गया, कई बार इस तरह की बातें देखी जाती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उसको इग्नोर करता है, और जो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव है उसको प्रेफरेंस में रखता है। ठीक है बात। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती हैं, कंफ्लिक्ट्स बनती हैं, तो वो फंक्शनल एम्पायर है। ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या करता है, ध्यान कम रखता है एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स पे, और ज्यादा ध्यान किस पे रखेगा, जो फंक्शनल हेड है वो अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर रखता। ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स के इंटरेस्ट कई बार क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। दूसरी है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करें, सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। अब देखिए इस चीज को कैसे, आपने चार मैनेजर्स बनाए। ठीक है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया मार्केटिंग मैनेजर, और परचेज डिपार्टमेंट का हेड बना दिया प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है बात। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या एचआर डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है, हेड है, वो एचआर मैनेजर। अब चारों के चारों पर्सन क्या है, वेल क्वालिफाइड, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, सभी ने एमबीए किया है, सभी इक्वली एक्सपीरियंस है। अब कई बार क्या होगा, उन चारों के बीच अपनी ईगो इस प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है। कि मैं भी इतना ही पढ़ा लिखा हूं, मेरा भी इतना एक्सपीरियंस है, मैं उसको क्यों पूछूं। ठीक है। तो वो चारों आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहते नहीं है, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ईगो इस प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि ये इंसान की नेचर है।
ठीक है, तो ये किसके कारण हुई, फंक्शनल स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है मां। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है जब क्या करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट रहेगा इसमें, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये पॉइंट कर दो पहले बार लिखे, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक दूसरे के इंटरेस्ट को लेकर क्या होती है, प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसे, अभी क्या होगा, एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने को लगता है कि मार्केट में सेल ज्यादा करनी है और उसने क्या किया, ओवर एडवर्टीजमेंट कर, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशनल टूल्स के ज्यादा किया, विभिन्न तरह की स्कीम्स लगा दी, बिना किसके पूछे, बिना किसी की जो है कोऑर्डिनेशन के, बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के, बिना परचेज डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के। अब परचेज डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं थी तो परचेज नहीं कर सके, प्रोडक्शन नहीं कर सके, जितना माल मार्केट से डिमांड हो रहा था उतनी सप्लाई नहीं हुई, उसका एक कारण कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ओवर डिमांड मार्केट में पैदा हो गई और एक नई कंपनी मार्केट में आ गई। तो यहां पर क्या हुआ, उन दोनों के इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट हो गया, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर का इंटरेस्ट था मार्केटिंग इंक्रीज करना, उसने अपना काम किया लेकिन उसने कोऑर्डिनेट नहीं किया, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर का काम था कि वो अपना काम जो है वो कंप्लीट करे, जितनी डिमांड उसको पूरा करे, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट के पास इस तरह का जो है अपने लिए साधन ही नहीं था, वो कर ही नहीं सकता था क्योंकि इतना फाइनेंस क्या था अवेलेबल नहीं था। तो दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है, क्या हो सकता है, कई बार कंफ्लिक्ट पैदा हो सकता है, और क्योंकि क्या कमी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी के कारण होता है, क्योंकि हम प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी काम के प्रति, ठीक है। इसलिए इंटरेस्ट से रिलेटेड कंफ्लिक्ट भी इसमें पैदा हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, किस तरह से इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि पीपल्स जो हैं यहां पर अलग अलग स्किल की और नॉलेज के लोग काम करते हैं और उनका अपना अपना मेंटलिटी पावर है और वो अपने पावर्स के कारण, अलग मेंटलिटी के कारण, ठीक है, सबके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, ठीक है। कोई किसी तरह के व्यक्ति है, कोई किसी तरह का व्यक्ति है, सबको अपने इंटरेस्ट को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा सकते, सबकी एप्रिशिएटिंग नहीं की जा सकती, इसलिए फंक्शनल है, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट जो पोजीशंस हैं उनको ट्रेनिंग के बिना वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे जब तक उन्हें टॉप मैनेजमेंट प्रॉपर ट्रेनिंग ना दे। तो यहां पर क्या हो जाएगी, इनफ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाएगी कि फ्लेक्सिबल नहीं रहे और ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे अपने एम्प्लॉइज का, तो इसके लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो यहां तक ही था इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से फंक्शनल स्ट्रक्चर के। बस आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने नहीं किया, इस वीडियो को लाइक करो।